नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। दोस्तों, मैंने अभी दिवाली के आसपास एक नई वॉच परचेज़ की है, जो है ओप्पो वॉच फ्री के नाम से। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से एक स्मार्ट वॉच के लिए ट्राई कर रहा था, तो मैंने देखा कि ओप्पो की वॉचेज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो इसलिए मैंने एक ओप्पो की स्मार्ट वॉच है, ओप्पो वॉच फ्री के नाम से है, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जो दिवाली पे कल मुझे मतलब मिल गई थी। तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग है आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अभी तक मैंने वॉच उसको अनबॉक्स नहीं की है, तो मैं वो वॉच को आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है उसका बॉक्स पैकिंग, देख सकते हैं। ये सीधा ओप्पो के स्टोर से ही मिली है मुझे, क्योंकि अमेज़ोन पर ये अवेलेबल नहीं थी, तो ये ओप्पो के स्टोर से ही, मैंने ओप्पो की वेबसाइट से ही इसको परचेज़ किया है। इसका एक्चुअल प्राइस जो है इसके बॉक्स के ऊपर कुछ और है, तो मैं आपको एक्चुअल प्राइस भी बताता हूँ, और जो जिस प्राइस पे मैंने ये परचेज़ की है वो भी आपको बताता हूँ। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग बिल्कुल दोस्तों। आते हैं हमारा नाइफ, तो ये देख सकते हैं आप, वॉच है, वॉच का बॉक्स है। इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ। एक्चुअली ये पार्ट सबसे बेटर रहता है अनबॉक्स करने वाला। मैंने लास्ट टाइम आपको जो वॉच दिखाई थी, ऑनर की वॉच थी, जो मैंने सिंगापुर से परचेज़ की थी, उसकी वीडियो भी चैनल पे डली हुई है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। और इस वॉच को आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये है इसके बॉक्स के अंदर वॉच। अब इसको बॉक्स से निकाल कर, ये है इसकी ओप्पो की ओप्पो वॉच दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, वॉच लिखा हुआ है इस पर। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर एक है बिल है इसका, जो वॉच का है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। लेकिन इसका जो इनवॉइस है, मैं देख सकते हो, टैक्सेबल इनवॉइस है। इसका जो प्राइस है, ग्रॉस अमाउंट है 5,999, लेकिन ये दिवाली डिस्काउंट पे अवेलेबल थी, जो 3,000 रुपये का डिस्काउंट था, तो मुझे ये मिली है 2,999 रुपीज़ की। ये इसका इनवॉइस है दोस्तों, इसे मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये वॉच कैसी है। इसे हम अभी अनबॉक्स करते हैं, मैंने अभी तक खोला नहीं है इसे। एक्चुअली इस पे कुछ बॉक्स कंटेंट्स पे लिखा भी हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इस वॉच के अंदर हैं। इसमें वॉच के बॉक्स के अंदर एक वॉच मिलेगी और एक चार्जिंग बेस है। इसका प्राइस 8,999 यहाँ दिखा रखा है, लेकिन ये हमें मिली है सिर्फ 3,000 रुपये के आसपास की दोस्तों। इसमें है ब्लूटूथ वर्ज़न 5.0 है, बैटरी कैपेसिटी 230 mAh की है, ये वाटर रेजिस्टेंट है 5 ATM तक। साइज़ है इसका 4.6 × 2.97 × 1.06 cm, और 20 ग्राम इसका, 21 ग्राम इसका वेट है दोस्तों। तो इसे इसका बॉक्स खोलते हैं, कंटेंट्स क्या देख कहाँ है लेते इसमें हैं। बॉक्स में। और आपको यदि अनबॉक्सिंग वीडियोस या और सभी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इनकी वीडियोस हैं जो उन्हें लाइक शेयर कमेंट करते रहें। एक्चुअली इस पर है फूल दोस्तों, इस पर रैप किया हुआ है इन्होंने, लैमिनेटेड है ये, दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अनरैप कर दिया है, और उसके बाद लगता है इसमें से आती है ये घड़ी निकल के। देखिए ये है कुछ ऐसी, इसे भी मैं रखता हूँ साइड में। उसके बाद हम निकालते हैं इस वॉच को, देखिए इस वॉच को निकाल रहे हैं। ये बॉक्स इसका, और ये है वॉच दोस्तों। एक्चुअली इसका वॉच का जो हमारे पास स्क्रीन साइज़ है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, उसका स्ट्रैप भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली इसके स्ट्रैप बाहर मिल जाते हैं दोस्तों, और कुछ देखते हैं, अगर बॉक्स में कुछ चार्जर और है ज़रूर होगा, कुछ पेपर बॉक्स वर्क भी हो सकता है। और कुछ नहीं है दोस्तों बॉक्स में, एक चार्जिंग रिडल है इसकी, ये देखिए आप देख सकते हैं चार्जिंग रिडल को। और उसके बाद है कुछ पेपर वर्क ओप्पो के नाम से, भाई हाउ टू यूज़, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसे चार्जिंग लगा सकते हैं।
इसमें हे टैप हेल्थ के नाम से ऐप है, उससे ये कनेक्ट हो सकती है वॉच। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके। सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको मैं उतारता हूँ, ये देखिए, और इसका पीछे सेंसर लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक टिप लगी हुई है काफ़ी अच्छी। इसको मैं हटाता हूँ टिप को दोस्तों, ताकि ये सेंसर काम कर सके। चलिए, ये काफ़ी चिपका हुआ है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे दिया है हटा, सॉरी, देखिए ये काफ़ी चिपकू टाइप है तो इसलिए ये हट नहीं रहा था। उसके बाद एक्चुअली इसका जो ऑन का बटन है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके फिर आपको एक्चुअली दोस्तों दिखाता हूँ। इसके बॉक्स कंटेंट्स के ऊपर दिखाया गया है कि जैसे ही आप वॉच को चार्ज करेंगे ये अपने आप ही ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको अभी चार्जिंग पर लगाता हूँ, और चार्जिंग पर लगा के ऑन करके उसके बाद ही आपको इसकी नेक्स्ट वो दिखाता हूँ कि कैसे ये वॉच काम करती है, और इसकी ऐप इंस्टॉल करके फ़ोन में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त अभी हम जल्द ही इसको चार्जिंग करके, तो दोस्तों वॉच जो है हमारी सेटअप हो चुकी है, ये देखिए ये ऑन भी हो चुकी है, और ये इसके फीचर्स हैं आप देख सकते हैं। इसमें आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा घटा भी सकते हैं, नाइट मोड है, वाइब्रेट है, टॉर्च का ऑप्शन है, सेटिंग्स है, इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन है, हेल्थ सेंटर है वो आप टर्न ऑन कर सकते हैं जैसे आप जॉगिंग वगैरह करते हैं। इसमें काफ़ी सारे और फीचर्स भी हैं, मैं आपको आगे दिखाता देखिए हूँ। आप देख सकते हैं। इसमें टैप टू वेकअप भी है, ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लॉग, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट, डेली एक्टिविटी, वेदर, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, ड्रिंकिंग वाटर, कनेक्ट कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, फ्लैश लाइट भी है जो आप इसको फ़ोन की फ्लैश लाइट जला सकते हैं। फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन है, सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में काफ़ी फीचर हैं दोस्तों इसकी, अदर सेटिंग्स है, इसको अपडेट कर सकते हैं आप, इसके काफ़ी सारे फीचर हैं। इसको इधर स्वाइप करते हैं तो ये बैक पे बटन पे चली जाती है, और इधर करते हैं तो राइट स्वाइप, तो इसमें दिखाई देती है सारे इसके फीचर्स, और ऊपर से भी आपको दिखाई देते हैं। ये फ़ोन से मेरे से मेरा फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी नोट 10 प्लस 5G, उससे मैंने इसको कनेक्ट किया है। ये देखिए आप यहाँ से इसके वॉलपेपर्स हैं जो वो चेंज कर सकते हैं, जैसे ही आप इसे सेट फॉर फ्री करेंगे, ये देखिए इसमें चेंज हो रहा है। और इसके अलावा आपसे इसके नोटिफिकेशन है जो फ़ोन्स के, वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं सभी के सभी। और इसके अलावा आप इस वॉच को 5 मीटर तक पानी के अंदर भी ले जा सकते हैं, यानी कि ये वाटरप्रूफ वगैरह है। इसके अलावा आप बारिश वगैरह में इसको काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। डिवाइस अपडेट का ऑप्शन है, जैसे भी कोई अपडेट आएगी आप इसको अपडेट कर सकते हैं वॉच को। इसमें अभी बैटरी जो है 55% है। इसमें फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी कुछ है। एक्चुअली ये काफ़ी और वॉच से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है साइज़ में। इस जैसे नॉइस की वॉच है, फायर बोल्ट है, उससे इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है। ये 1.07 इंचज़ की स्क्रीन है, और इसमें आपको सभी फीचर मिल जाएंगे। टैप टू वेक है, इसमें आप सॉन्ग्स वगैरह भी चला सकते हैं, और काफ़ी इसमें फीचर हैं। ये देखिए, आप वाइब्रेट कर सकते हैं, आप इसमें भी लाइट चला सकते हैं अलग अलग रंग की, ये देखिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। तो इस वॉच को मैं सेटअप कर चुका हूँ, और जल्द ही इसका एक एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ। अगर कुछ नई चीज़ें मुझे इसके बारे में पता चलती हैं तो आप सभी को उसके बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा कि क्या क्या इसके हैं फीचर। और उसकी वीडियो भी मैं बना पाया तो जल्द ही बना पाऊँगा। स्लीप मोड भी है इसके अंदर, इंटेलिजेंट रिकॉग्नाइजेशंस है, इसका टच काफ़ी स्मूथ है दोस्तों, और इसका जो बैंड है ये काफ़ी ठीक ही क्वालिटी का है। मतलब आप इसके बैंड और परचेज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ये ओप्पो के स्टोर से आपको मिल जाएंगे, या ओप्पो की वेबसाइट से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें मेरे लिए ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं काफ़ी रनिंग करता हूँ, तो उसका इसमें मेरे को पता चल जाया करेगा सुबह सुबह कि मैं कितना दौड़ वगैरह लगाता हूँ। इसमें काफ़ी रिस्टोर्ड फैक्ट्री रिबूट
और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट वैसे तो चाइना का है दोस्तों, ये इसमें लिखा हुआ है इंडिया वगैरह भी काफ़ी जगह लिखा हुआ है। स्क्रीन डिस्प्ले ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है इसमें, स्क्रीन ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हैं 6 पे, ये सबसे हाईएस्ट 6 हैं। ऑटो सेकंड ऑफ हो गया है, अब उसको बंद कर सकते हैं, अब उसका भी टाइम सेट कर सकते हैं। और काफ़ी फीचर हैं, रोजॉयल स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग, और वाइब्रेट का ऑप्शन है, वाइब्रेट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वाइब्रेट टाइमिंग होनी चाहिए, अलार्म या टाइमर के हिसाब से होनी चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी है आप ऑन कर सकते हैं, स्लीप मोड भी इसके अंदर है। इसके अलावा इसको बैक करेंगे तो आपको और फिर फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन है, आपका फ़ोन जो बोलने लग जाएगा, जो कि जब भी मैं फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन, ये साउंड करने लग गया, देखिए ये देखिए ये फ़ोन साउंड करने लगेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, आपका फ़ोन अगर इधर रखा जाए तो। म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन है, अगर आप म्यूज़िक हैं इसके अंदर तो म्यूज़िक पेयर कर सकते हैं, और कैमरा कंट्रोल्स का भी ऑप्शन है, आप इससे कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ फीचर हैं इस वॉच के अंदर जो आप सभी को काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, और मेरी सभी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और अगर आप इस की वीडियो प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो अनबॉक्सिंग की प्लेलिस्ट है उसके अंदर, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग की, उसके अंदर आपकी वीडियो मिल जाएंगी, उसके अंदर ढेर और प्रोडक्ट्स हैं जो अनबॉक्स किए गए हैं उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत, चलते हैं दोस्तों।